यूपी के बुलंदशहर के एक मैरिज होम में तीसरी पत्नी को बिना तलाक दिए चौथी शादी करने से पहले ही मैरिज होम में पहुंची तीसरी पत्नी ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को भी साथ लेकर पहुंची तीसरी पत्नी ने शादी को रुकवा दिया। फिलहाल दूल्हा फरार हो गया और पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में ले पूछताछ में जुटी है। पीड़िता का दावा है कि उसका केस कोर्ट में चल रहा है और अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तस्वीरें बुलंदशहर के एक मैरिज होम की हैं, जहां कुछ देर पहले अलीगढ़ से अपने परिजनों और पुलिस को साथ लेकर पहुंची ये महिला अलीगढ़ की रहने वाली मोनिका है, जो अपने पति रिंकेश द्वारा बिना तलाक दिए चौथी शादी किए जाने की भनक लगने पर मैरिज होम पहुंची। मैरिज होम में जमकर हंगामा किया। महिला के हंगामे को देख जहांगीरपुर से आए बाराती तो 9-2-11 हो गए, मगर पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में ले पूछताछ शुरू कर दी। दूल्हे का पिता भी दावा कर रहा है कि मोनिका से उसके बेटे की शादी हुई थी, मगर केस कोर्ट में चल रहा है। हालांकि हंगामे के बीच पुलिस दूल्हे के पिता से पूछताछ में जुटी है। क्या नाम है आपका? सर गौरव कुमार। गौरव, क्या मामला है आपकी सिस्टर का यहाँ? ऐसा हुआ था, आज से 3 साल पहले मेरी सिस्टर का इनके घर वो हुआ था, रिश्ता हुआ था। तो अब इन्होंने हमें बताया था कि पहले की हमारी पहली एक शादी हो चुकी है, तो हमने पूछा था कि मैंने आपको पहले क्यों छोड़ दी, तो बोला कि वो बच्चा लड़की थी मेरे मामा, उसकी मामा के लड़के के साथ लगी हुई है। तो फिर हमने पूछा कि अच्छा, तो हमने सोचा, हमें पड़ताल इतनी की मैंने, क्या हम इनसे मिले भी, अब इनके अंदर तो घुसने नहीं बैठा, होता क्या। रिश्ता चलते चलते शादी के 10 दिन बाद घर से फोन आता है कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे चक्कर है, आपकी लड़की के अफेयर बता रहा था। और मतलब मेरी सिस्टर को सारी बातें पता है, आप उनसे पूछो। तो क्या क्या रहा मामला, क्या रहा फिर? मेरे ससुर अच्छे नहीं है, मुझसे कहते हैं कि मेरे संग संबंध बना, मेरे इसका बेटा कोई लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है, मैं बच्चा दूंगा तेरे को। उस घर में कोई भी लड़की चली जाए नौकरानी बन के रहेगी, ना लड़का रखता, ससुर कहता मेरे लिए रहेगी, लड़का किसी लायक है ही नहीं। मेरी सास को गारंटी कहकर मुझसे बात करती है, कहीं मेरा नाम नहीं लेती, ना कभी बेटी ना बहू कुछ नहीं। मुझे एक बार फांसी पे भी लटका दिया इसने, पुलिस आ गई थी तब मैं बच गई थी। उससे पहले 2 शादी कर चुका, गोद भी भर गई है, मेरे बाद 4th शादी है इसकी। पुलिस में वहाँ नहीं की, यहाँ भी नहीं की, उसका बाप भी आया है। पीड़ित महिला का दावा है कि शादी के बाद ससुराल में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी, मगर वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बचा लिया था। यही नहीं, महिला ने अपने ससुर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ की रहने वाली मोनिका की शादी जहांगीरपुर के रहने वाले रिंकेश के साथ 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। आरोप है कि शादी के लगभग 10 महीने बाद मोनिका का शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाने लगा, जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया था। मामला अलीगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।